नाउ लेट अस सी द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो अभी तक हमने ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत कुछ देख लिया, हमने उसके कंस्ट्रक्शंस देख ली, वर्किंग्स देख लिया, देन वी एनालाइज भी कर लिया, जैसे कि वोल्टेज रेगुलेशन, उसकी एफिशिएंसी, देन टेस्टिंग्स, सारे हमने लगभग कवर कर लिया। नाउ कम ये ट्रांसफार्मर्स जो है यूज कहाँ होते हैं और क्या पर्पस है इनके यूज करने के। तो सबसे मेजर जो यूज है ट्रांसफार्मर का एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो है स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज लेवल इन पावर सिस्टम। जो पावर सिस्टम का मतलब क्या होता है, जनरेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक जो पावर जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल पावर डेफिनेटली जनरेट होता है पावर प्लांट्स में, आफ्टर जनरेटर जनरेशन, जनरेशन से लेके बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन तक के आपके पास जो घर में सप्लाई आती है वहां तक के पहले जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब पावर सिस्टम के कंसेप्ट पे माने जाते हैं और पावर सिस्टम के इक्विपमेंट माने जाते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर है वो सबसे बेसिक यूज इसका है स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज लेवल। क्यों वोल्टेज लेवल को बढ़ाना एंड घटाना है, लेट अस सी पहले कि वोल्टेज लेवल को बढ़ाना घटाना क्यों है। एक्चुअली आपको पता है कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी का जो पावर होता है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होता है और इसको पैसिव डिवाइस कहा जाता है। इसलिए भी अगर वोल्टेज बढ़ता है ट्रांसफार्मर में, अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट घटता है, ये इसकी कंसेप्ट होती है, क्योंकि ये पावर को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकता। अब एक बात देखो, जितने ही ज्यादा करंट होगा, ट्रांसमिशन लाइन का लॉस होता है जिसको एक्सएल लॉस कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन लॉस किसके बराबर होता है, आई स्क्वायर इंटू आर, थ्री फेज होगा तो तीन से मल्टीप्लाई करोगे। एक्चुअली ये आई क्या है, जो करंट फ्लो होता है ट्रांसमिशन लाइन में वो है, और ये क्या है एक्सएल, आर एक्सएल ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस है। अब एक बात समझना है यहां पे, जितने ज्यादा करंट फ्लो करेगा ट्रांसमिशन लाइन में उतना ही ज्यादा ये लॉस होगा। इसी को मिनिमम करने के लिए हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। एक्चुअली जो ईएमएफ जनरेट होता है बाय द सिंक्रोनस जनरेटर, जिसको अल्टरनेटर कहते हो इन द पावर प्लांट्स, और इंडक्शन जनरेटर, व्हाटएवर जनरेटर यू हैव, तो जो जनरेटर का जो वोल्टेज जनरेट होता है वो नियरली 11 किलो वोल्ट होता है। इन इंडिया जो जनरेशन होता है वो 11 किलो वोल्ट होता है। इस 11 किलो वोल्ट को डिफरेंट रेंज पे, यानी कि डिफरेंट डिस्टेंस पे, कितना दूर वोल्टेज को ट्रांसमिट करना है, कितना दूर वोल्टेज को ट्रांसमिट करना है, इस पे डिफरेंट डिफरेंट रेंज के वोल्टेज ट्रांसमिट किए जाते हैं। 220 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट, और नेक्स्ट आपके पास 765 किलो वोल्ट, डिफरेंट डिफरेंट रेंज के वोल्टेज ट्रांसमिट किए जाते हैं। जैसे 200 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट भी होता है, तो डेफिनेटली डिस्टेंस पे मेजर करता है, जिसको आप पावर सिस्टम में पढ़ते हो। अब इस वोल्टेज को इसलिए इस वोल्टेज पे ट्रांसमिट करना है क्योंकि अगर तुम वोल्टेज को इंक्रीज कर दोगे, वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट क्रिएटिंग कम हो जाएगी और ये लॉस कम हो जाएगा। तो ट्रांसमिशन लाइन्स में जो लॉस होंगे उनको कम करने के लिए हम लोग हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं। ये बात में समझ में आया। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, फॉर स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज लेवल। क्यों ऐसा करना है, ताकि हम ट्रांसमिशन लाइन लॉस को रिड्यूस कर सकें। ये क्यों किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन लॉस को कम करने के लिए, एक्सएल ट्रांसमिशन लाइन लॉस को कम करने के लिए, ठीक है, ताकि वोल्टेज बढ़ जाए, करंट रेटिंग कम हो जाए, तो ट्रांसमिशन। अब देखो सर, स्टेपिंग डाउन क्यों करना है, स्टेपिंग अप तो समझ में आ गया, वोल्टेज बढ़ाना क्यों है, स्टेपिंग डाउन क्यों करना है, क्योंकि बेटा ये जो वोल्टेज है, ये मान के चलो 220 वोल्ट किलो वोल्ट या 400 किलो वोल्ट, दिस वोल्टेज आर वेरी लार्ज वोल्टेज एंड इट इज द वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन एज वेल एज एनी लिविंग एलिमेंट्स। तो अब बात यह है कि अगर ये बहुत डेंजरस है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें ना वोल्टेज को कम करना चाहिए। क्यों कम करना चाहिए, ताकि डेंजरस ना हो, इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम हो जाए, जो हम मशीन बना रहे हैं वो बड़ा ना हो, इंसुलेशन उसमें ज्यादा लगेंगे, ज्यादा वोल्टेज ऑपरेट कराओगे तो। इसलिए अगेन हम इसको स्टेप डाउन करते हैं, ये जो वोल्टेज है डिफरेंट डिफरेंट आपको स्टेप्स में स्टेप डाउन किए थे। जैसे आप सब स्टेशन पे आए तो वोल्टेज कम हुआ, फिर फर्दर कम हुआ, जिसको आप पावर सिस्टम में वो डिटेल में पढ़ोगे, तो ये वोल्टेज जो है ना कम किए जाएंगे। कितना कम किया जाएगा, जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा है उससे पहले वोल्टेज आएगा फिर 11 किलो वोल्ट, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यू विल गेट 440 वोल्ट एज ए थ्री फेज एंड 220 वोल्ट एज ए सिंगल फेज, ठीक ना। तो आपको ये मिलेगा ये वोल्ट 220 वोल्ट एज ए सिंगल फेज एंड 440 वोल्ट एज ए थ्री फेज। ये स्टेप डाउन करके इतना वोल्टेज तुमको सप्लाई करना होता है बाहर कंज्यूमर को, ताकि ना ये डेंजरस ना हो। तो थ्री फेज में कितना सप्लाई होता है, 440 वोल्ट एंड 220 वोल्ट, अगेन हमको स्टेप डाउन करना है ताकि ये डेंजरस ना हो। इसलिए हमें ना स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन करनी होती है वोल्टेज लेवल को इन द पावर सिस्टम। आई होप ये क्लियर हो गया। नाउ
नेक्स्ट है फॉर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ या इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली इंसुलेट करना दो डिवाइसेस को, इलेक्ट्रिकली इंसुलेट करना दो डिवाइसेस को। एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर होता है उसके जो दो वाइंडिंग्स होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। अगर ये प्राइमरी ले रहे हो देश और ये आपका मैग्नेटिक कोर है, ये कनेक्टेड नहीं होते हैं, कपल्ड होते हैं एक ही मैग्नेटिक कोर से, और ये दूसरा वाइंडिंग। जो ट्रांसफार्मर है इनके वाइंडिंग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं ये वाला जो यहां कोई डिवाइस जो लगाओगे, लेट इट बी ये सेकेंडरी में कुछ डिवाइस आपने लगाया है, कोई भी डिवाइस हो सकता है जो ना हमें सेफ चाहिए, ये इसका इफेक्ट जो है या जो भी फॉल्ट वगैरह इधर हो वो इस पे नहीं आना चाहिए, हम बीच में एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे। कितने रेशियो का, 1:1 का ट्रांसफार्मर। इससे होगा क्या, 1:1 का ट्रांसफार्मर लगाओगे तो जो भी यहां पे वोल्टेज होंगे या फिर जो भी यहां पे वोल्टेज होंगे, जो भी यहां करंट होंगे, वो यहां सो तो करेगा बट ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि ना ये सेफ जोन में चला जाएगा अगर ये डिवाइस है तो, ठीक है। ये कोई भी कॉस्टली डिवाइस हो सकता है तो ये ना सेफ जोन में चला जाएगा, इसलिए हम लोग 1:1 ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, यूनिट टर्न ट्रांसफार्मर। इसका टर्न्स रेशियो कितना है, यूनिट टर्न्स, हेंस वी कैन से राइट कि ये यूनिट टर्न ट्रांसफार्मर है। इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिकली आइसोलेट किया जा सके। तो दूसरा ट्रांसफार्मर का यूज क्या है, 1:1 ट्रांसफार्मर कहो या फिर यूनिट टर्न ट्रांसफार्मर कहो, इट इज यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन पर्पस। नेक्स्ट, एक्सटेंशन द रेंज ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर एज ए सिटी एंड पीटी। अब होता क्या है, जो एमीटर होते हैं एंड वोल्टमीटर होते हैं वो बड़ी कम रेंज के करंट एंड वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। उनके रेंज को बढ़ाने के लिए आप ये सब इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में आई होप कि पढ़ रहे हो तो पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में पढ़ना में, तो सिटी और पीटी ना करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। ये क्यों यूज किए जाते हैं, ताकि ना एमीटर एंड वोल्टमीटर की रेंज को एक्सटेंड कर सके। सिटी यूज किया जाता है टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ एमीटर एंड पीटी यूज किया जाता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं इसको, टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ वोल्टमीटर। इनको रेंज एक्सटेंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सीटी एंड पीटी को। ये आप मेजरमेंट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा वहां पे बहुत सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं जिनको ट्रिगर किया करना होता है, जैसे मॉसफेट, आईजीबीटी, इनको ना ट्रिगरिंग करना होता है, गेट पल्स देना होता है टू एक्चुएट इट, माने इनको ना स्टार्ट करने के लिए, एक्चुएट करने के लिए आपको पल्स देने होते हैं। वो किससे दिया जाता है, ट्रांसफार्मर से, कॉल्ड पल्स ट्रिगरिंग ट्रांसफार्मर। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में पल्स देने के लिए यानी कि उसको एक्चुएट करने के लिए गेट पल्स में, गेट में पल्स देना होता है, तो उनको एक्चुएट करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। एंड द फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इंपीडेंस मैचिंग फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। आप एक कंसेप्ट पढ़े होंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में, कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हम रेजिस्टेंस के टर्म में बोल रहे हैं। अगर मान के चलो हमारे पास एक लोड है RL, ध्यान देते जाना, एक लोड है RL और इसका सोर्स रेजिस्टेंस है RS, ठीक, सोर्स रेजिस्टेंस है RS, हमारे पास एक सोर्स है जिसका रेजिस्टेंस कितना है RS है, सोर्स है हमारे पास, रेजिस्टेंस कितना है RS है। कोई भी हम DC ले, कोई भी आप ले सकते हो जिसमें केवल रेजिस्टिव लोड है, लेट इट बी, आपके पास एक सोर्स है VS जिसका सोर्स रेजिस्टेंस कितना है RS और एक लोड है RL। कोई भी सोर्स लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब करता है जब सोर्स रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस क्या हो, बराबर हो। इसको कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, है ना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बोलते हैं। यानी कि जब सोर्स रेजिस्टेंस बराबर हो लोड रेजिस्टेंस के तो सोर्स जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करता है लोड को, कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लो और समझो, मान के चलो ये लोड जो है 6250 ओम का है, लोड कितना है 6250 ओम का है ये लोड, एंड ये सोर्स मान के चलो, सोर्स रेजिस्टेंस कम होता है जनरली जो सीरीज में लगे होते हैं वोल्टेज सोर्स के, वो मान के चलो 10 ओम का है, मतलब कि ये सोर्स जो है वो 10 ओम का है, लोड जो है ना 6250 ओम का है। इस केस में ये अगर सोर्स से इस लोड को डायरेक्टली तुम कनेक्ट कर दोगे, इट विल नॉट ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर। क्यों, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस बराबर नहीं है। इस केस में जो RS है वो एक्चुअली बराबर नहीं है RL के, तो मैक्सिमम ट्रांसफर पावर नहीं हो पाएगा, जो पी मैक्स है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसको करने के लिए हमने बीच में एक ट्रांसफार्मर यूज कर दिया, इसको करने के लिए एक बीच में ट्रांसफार्मर यूज कर दिया। इसका मान लो टर्न्स रेशियो कितना है, 1:1 है। टर्न्स रेशियो मतलब क्या होता है, N1 डिवाइड बाई N2, तो
एन टू को हमने वन मान लिया, तो एन वन कितना हो गया ए, तो ए इज टू वन है, इसका टर्म्स रेशियो क्या है, ए इज टू वन है। अब एक बात समझना, अगर बीच में ट्रांसफार्मर लगा दोगे ना तो ये लोड रेजिस्टेंस यहां पे 6250 जो तुम लिए हो वो 6250 ओम यहां नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टेड वैल्यू दिखता है जिसको तुम रेफर्ड वैल्यू कहते हो। एक्चुअली ये सोर्स जो तुम लोड तुम लगाए हो जो आरएल, वो यहां पे अब 6250 नहीं दिखेगा, वो कितना दिखेगा, रेफर्ड वैल्यू। क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस यानी कि सेकेंडरी रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि जो यहां आपको दिखेगा RL डैश जो तुम रेफर्ड करोगे वो कितना दिखेगा, वो दिखेगा ए स्क्वायर इंटू RL, ए स्क्वायर इंटू RL दिखेगा, ना कि वो RL दिखेगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर अगर बीच में लग गया तो ये जो वैल्यू इधर दिखता है ना सोर्स को, वो रेफर्ड वैल्यू दिखता है, ये आप पढ़े होंगे। तो कितना होता है, ए स्क्वायर इंटू RL ये दिखेगा। और अगर हम इसको किसके बराबर कर दें, RS के बराबर कर दें, तो अब ये समझ में थोड़ी ना आएगा सोर्स को कि वो लोड रेजिस्टेंस कितना था, बीच में तो ट्रांसफार्मर आ गया। अगर हम ऐसे टर्न्स रेशियो डिजाइन करें कि ये ना कंसेप्ट बराबर हो जाए, मतलब कि RL डैश जो उसका रेफर्ड वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाए, RS के, तो इस सोर्स को कितना लोड दिखेगा, ये रेफर्ड वैल्यू, एंड हेंस इट बिकम अ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन। अब वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन हो जाएगा कैसे, अब देखो यहां पे हमको ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए का वैल्यू कितना आएगा, ए स्क्वायर बिकम इक्वल टू RS upon RL, and this implies A is equal to under root RL by RS. Sorry, RS by RL. RS by RL. RS by RL. अब इस केस में कितना आया, RS का वैल्यू कितना था 10, RL का वैल्यू कितना था 6250 का अंडर रूट कर दिए, और ये कितना आया, इट विल कम एज 1/25. 1/25, यानी कि अगर इसमें 10 टर्न लेते हैं तो इसमें 250 टर्न ले। इस तरह के अगर ट्रांसफार्मर बना दें हम, अगर यहां पे जो ट्रांसफार्मर हम लगा रहे हैं वो कितना इज टू कितने का लगा दें, 1:25, है ना, या 1:25 का ट्रांसफार्मर लगा दें, एक का वैल्यू टर्न्स रेशियो का वैल्यू कितना हो जाए, 1:25 हो जाए, तो उस केस में ये जो कंडीशन है यानी कि सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड लोड रेजिस्टेंस ऑफ 6250 ओम विल ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर, विल ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर, ये इस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर देगा। हालांकि अगर आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देते तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं करता, इसलिए फॉर इंपीडेंस मैचिंग, इंपीडेंस ही मैच कर रहा है ना, या रेजिस्टेंस, इट इज टाइप ऑफ ऑल्सो इंपीडेंस, यहां पर रेजिस्टेंस लेके समझा है, इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इंपीडेंस मैचिंग, तो उसके लिए यूज किया जाता है, और वो क्यों, ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके। ये कंसेप्ट यूज कर किया जाता है बेटा स्पीकर्स में, जो बॉक्स होते हैं साउंड बॉक्स, आपके पास होम थिएटर व्हाट एवर इट इज, जो आपके साउंड बॉक्स होते हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है टू फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। क्लियर, तो ये जो है मेजर यूज ट्रांसफार्मर के। इसके अलावा आप लेबोरेटरी में भी यूज करते हो, इसके अलावा आप छोटे छोटे डिवाइस में भी यूज करते हो, तो बहुत जगह यूज करते हो जहां भी वोल्टेज को कम करना होता है, तो बहुत जगह यूज किया जाता है, बट ये जो है मेजर आपके यूज है जो कि ट्रांसफार्मर के हैं।